कैसे हो आप लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। कल का मैच जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मोहाली में खेला गया, जिसके कप्तान थे हमारे केएल राहुल, टॉस जीता उन्होंने और पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया हमारे गेस्ट यानी कि मेहमान ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि मेहमान नवाजी भी तो करनी है। हमने कहा पहले बल्लेबाजी कीजिए। अब बल्लेबाजी करने आए और शमी ने दिया पहला ही झटका मिचेल मार्श के रूप में, और वो झटका इतना भारी पड़ा कि उससे उभर नहीं पाई हमारी मेहमान टीम ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि पावर प्ले होता है वहां पे, आप फायदा उठाते हो, कुछ रन्स बनाते हो, क्योंकि सर्कल के अंदर होते हैं काफी फील्डर्स और आपके पास एक फ्रीडम मिलता है, आप हिट्स वगैरह लगा सकते हैं। हालांकि विकेट एक ही गिरा, लेकिन वो इतने डर गए कि संभल के खेलने लगे और काफी ओवर्स में कुछ ही रन बना पाए, और इसका श्रेय जाता है कहीं ना कहीं कप्तान केएल राहुल को और जो हमारे बॉलर थे यानी कि बुमराह, शमी, जिनने भी करी टाइट गेंदबाजी करी और फ्रीडम नहीं दिया और बिल्कुल पकड़ के रखा। और इसी का कारण है ऑस्ट्रेलिया थोड़ी पीछे रहेगी टीम में, क्योंकि हम सबको पता है कंगारू की टीम फाइट बैक के लिए जानी जाती है। बात तो सही है, ये ऐसी टीम है, चैंपियन टीम है, कब कहां पलटवार कर दे किसी को नहीं पता और इसको हल्के में नहीं ले सकते। वही हुआ, क्योंकि उसके बाद पार्टनरशिप बिल्ट हुए, वार्नर, स्मिथ, लवुस्चाने, ग्रीन सबने अच्छा खासा कैमियो दिया, यहां तक कि इग्निस ने भी अच्छा खासा बल्लेबाजी करके गए। लास्ट में खुद कप्तान पैट कमिंस ने एक कैमियो पारी खेली, लेकिन इन सब पे भारी रहे हमारे बॉलर। यार मैं बोल रहा हूं कि कितनी भी तारीफ करो ना कम है, पूरा एशिया कप आपने देखा हमारे बॉलिंग यूनिट ने क्या परफॉर्मेंस किया। मतलब जो फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे मोहम्मद सिराज, और पूरा जो मैन ऑफ द सीरीज बने थे हमारे कुलदीप यादव। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैन ऑफ द मैच सीरीज दोनों बॉलर हो जाए, क्या बात है। वही चीज यहां भी देखने को मिली, हमने अपने बॉलिंग के दम पे कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया, जिसकी बल्लेबाजी में बहुत दमखम है और एक टॉप नंबर की टीम है, उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया था। इजी रन्स नहीं बना पा रहे थे, कुछ मिस फील्ड हुए हमारी तरफ से, अगर वो सही होते तो मैं सोच रहा हूं ऑस्ट्रेलिया की और हालत बुरी होती। लेकिन कल मोहम्मद शमी का दिन था और शमी क्या छाए, पंजा खोल दिया मोहाली में। पहली बार कोई भारतीय बॉलर ने ओडीआई मैच में 5 विकेट्स लिए और ये कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड्स बन गए। हमारे सारे बॉलर्स रिकॉर्ड्स बनाते जा रहे हैं और ये देख के मुझे मजा आ रहा है, क्योंकि बल्लेबाज तो रिकॉर्ड्स बनाते आ रहे हैं, हमारी बल्लेबाजी हमेशा से स्ट्रांग है, हम एज अ बल्लेबाजी टीम माने जाते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। लेकिन अगर बॉलिंग में वो दमखम देखने को मिले तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, और वही चीज हो रहा है क्योंकि हम बहुत खुश है। वर्ल्ड कप से पहले सारी सही चीजें हो रही है बॉलिंग यूनिट को लेके, क्योंकि शमी पिछली बार बेंच पे बैठे हुए नजर आ रहे थे, ये हमारे प्लेइंग 11 स्क्वाड में नहीं थे एशिया कप में। यार मतलब जिस मैच में जिसको रेस्ट दिया उनकी जगह खिलाया गया था उन्हें, लेकिन यहां पे वो स्पेशल 11 टीम के हिस्से बने और वो दमखम दिखाया और बता दिया पूरे वर्ल्ड को कि जो बॉलर 5 विकेट ले सकता है ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ वो हमारे बेंच पे है, तो हमारी बॉलिंग यूनिट समझ सकते हो और बॉलिंग में कितनी धार आ गई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पूरी विकेट गवा दी, 276 रन बना पाए 50 ओवर में, लेकिन यहां पे ऑस्ट्रेलिया को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बहुत ही खतरनाक है और हम सबको पता है ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से खेलती है और उनकी बॉलिंग हमेशा से बेहतरीन रही है। लेकिन मैं बताऊं कि ये वर्ल्ड कप की बॉलिंग यूनिट नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये ऑस्ट्रेलिया की चाल हो सकती है कि वो अपने बॉलरों को छुपा रहे हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा, क्योंकि हमने ना मिचेल स्टार्क देखा और भी बॉलर हैं जो रेगुलरली खेलते हैं लेकिन अभी टीम का हिस्सा नहीं था। अगर मैं मेन बॉलरों की बात करूं तो कप्तान पैट कमिंस और दूसरे एडम जंपा जो मेन उनके बॉलर है वो खेल रहे थे, बाकी 3 बॉलर अभी भी हैं जो जिन्हें नहीं लेके आए या नहीं खिलाया गया। उसका रीजन यही हो सकता है कि वो नहीं चाहते कि इंडियन बल्लेबाज उसके यूज थ्रो हो और समझ जाए उनको खेल के, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में ही होने वाला है और ऑस्ट्रेलिया टीम दिमाग बहुत लगाती है भाई हर चीजों में, गेम को किस तरीके से चलाना होता है उसी का कुछ नमूना पेश कर रहे थे, पर बेचारों को हार मिली, वो भी एक तरफा हार। अच्छा क्योंकि बॉलर चाहे कोई भी, हमारे बल्लेबाजी इतनी स्ट्रांग है और वही दिखाया कल ऋतुराज गायकवाड़ जो कि अपना 4th इंटरनेशनल ओडीआई मैच खेल रहे थे, उन्होंने भी दमखम दिखाया और हमारे दोनों ही ओपनर यानी कि सुमन गिल, गायकवाड़ दोनों ने तोड़ना चालू कर दिया और मैच पावर प्ले में ही खत्म कर दिया था, एक तरफा कर दिया था, विकेट्स नहीं गिर रहे थे। 140 के बाद पहला विकेट गिरा, एडम जंपा ने लिया, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन एक बात है, एडम जंपा में वाकई क्या कमाल की बॉलिंग स्पिरिट दिखाई, जिस तरीके से उन्होंने सुमन गिल को बोल्ड किया था ना, वो तो अमेजिंग बॉलिंग थी। लेकिन वहां पे इंडियन टीम कहीं ना कहीं थोड़ी सी लड़खड़ाई, वहां पे श्रेयस अय्यर रन आउट हो गए, सुमन गिल बोल्ड हो गए और एक साथ विकेट्स गुच्छे में गिर गई और उसके
कहीं ना कहीं सारे क्रेडिट जाते थे एडम जंपा के ऊपर। उनकी गेंद कमाल की थी, जो सुमन गिल को बोल्ड किया था वो तो मतलब एक मीडियम पेसर होता है ना, उस तरीके से स्टंप को बिखेर दिया था। तो कमाल के फॉर्म में लग रहे थे, कुछ कैचेस छोड़े, अगर वो कैचेस कन्वर्ट कर लेते तो मुझे लगता है इंडिया कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ सकती थी। लेकिन इंडिया के पास बहुत गहराई है बल्लेबाजी की। उसके बाद केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन, सबने अच्छी बल्लेबाजी की। कल सूर्या ने इस साल का पहला अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया। खैर देर आए दुरुस्त आए कहते हैं ना, क्योंकि सूर्या कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप स्क्वाड के हिस्सा होंगे और एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के निकलेंगे। लास्ट में आके रन गति को बढ़ाना हो या फिर टीम को संभाल के खेलना हो, हर तरीके का टैलेंट है उनमें और ये 50 कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाले। और इंडिया टीम के लिए बहुत अच्छी खबर आई इस मैच से अगर कुछ निकल के तो ये कि भैया सूर्य कुमार यादव का ये पहला हाफ सेंचुरी इस साल में कंप्लीट हो गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन वही केएल राहुल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। केएल राहुल कह रहे जो फॉर्म मुझे मिला है उसको मैं बरकरार रखूंगा और चौथा पोजीशन उनको काफी सूट कर रहा है। 100 भी आया था और इस मैच में कप्तान होते हुए उन्होंने अपना 50 पूरा किया और विनिंग शॉट छक्के के स्टाइल में लगाया। तो कहीं ना कहीं टीम बहुत स्ट्रांग लग रही है, सारे बल्लेबाज फॉर्म में लग रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस मैच में भी हमारे प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना? बॉलर। और पहली बार इस ग्राउंड में किसी इंडियन बॉलर ने 5 विकेट लिया है, तो वेल डिजर्व, वेल प्लेड। और यही देख के तो मजा आ रहा है क्योंकि हमारी बॉलिंग यूनिट कुछ खास कर रही है और अपने दम पे गेम को जिता रही है, तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। सही बात है। तो अभी पहला मुकाबला तो हमने एक तरफा जीत लिया और एक तरफा मुकाबला पसंद नहीं आता, पता नहीं क्यों। मुझे एक फाइटिंग स्पिरिट चाहिए, वो जो होते हैं ना टेंस और थोड़े नेल बाइटिंग कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा, वहां पे असली निखर के आते हैं। कुछ ऐसा मैच हो जाता तो और मजा आ जाता, लेकिन कोई नहीं, एट द एंड रिजल्ट इंडिया जीती और उससे हम खुश है। बाकी अभी 2 मैच है, ऑस्ट्रेलिया टीम हमेशा फाइट बैक के लिए जानी जाती है, तो उनको हल्के में नहीं ले सकते, आगे वो और फाइट करने वाली है खतरनाक, तो देखने में मजा आएगा। बाकी जिस तरीके से केएल राहुल ने कप्तानी करी मुझे बहुत इंप्रेस किया एज ए कैप्टन, और जिस तरीके से उनका गेम निखर के आया बहुत कमाल के लग रहे थे। बाकी आप कमेंट में बताइए आपको एज ए कैप्टन वो कैसे लगे। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।